नमस्कार दोस्तों, कारीगर प्लस में आपका स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा। आज हम बहुत ही प्रमुख टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो भी इलेक्ट्रिशियन है वो इंटरव्यू के लिए जाता है, तो उससे एक क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आप हाइड्रोमीटर के बारे में जानते हैं, या फिर हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि हाइड्रोमीटर क्या होता है, उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इधर लिखा हुआ हाइड्रोमीटर और एक मैंने इमेज बना रखी है, इमेज या हाइड्रोमीटर की इमेज है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोमीटर की बनावट कैसी होती है। देखिए, हाइड्रोमीटर इस प्रकार कि इसकी बनावट होती है। मार्केट में जब भी हम जाएंगे तो हाइड्रोमीटर आसानी से मिल जाता है। हाइड्रोमीटर की क्वांटिटी के हिसाब से मिलता है। जैसे हम जाएंगे मार्केट में तो हमें 200 ml का हाइड्रोमीटर, 300 ml का हाइड्रोमीटर या 500 ml का हाइड्रोमीटर, 1 लीटर का हाइड्रोमीटर, इस प्रकार से वो मार्केट में अवेलेबल होता है, मिलता है। उसकी बनावट के बारे में बात करते हैं। देखिए, हाइड्रोमीटर का जो बीच का हिस्सा होता है, हाइड्रोमीटर एक शीशे की परख नली या शीशे की पाइप होती है, जो नीचे से और ऊपर से खुली हुई होती है, बीच में खोखली होती है। जैसे शीशे का ग्लास होता है, शीशे का ग्लास नीचे से बंद होता है, लेकिन अगर हम नीचे से भी उसको खोल दें तो उसी प्रकार से हाइड्रोमीटर के बीच का जो ये भाग होता है, ये शीशे का होता है, ऊपर से नीचे से खुला हुआ होता है। और इसके ऊपर से एक रबड़ का जैसे बॉल होता है, बॉल के आगे के हम थोड़े से सिरे को काट दें और उसको उसके अंदर पाइप के अंदर डाल देते हैं, ये रबड़ का होता है, इसको क्या कहते हैं, हम बॉल्ब कहते हैं। और जो ये पाइप मैंने आपको बताई है, शीशे की जो पाइप है, इसको हम चैम्बर कहते हैं। उसके बाद उसी के नीचे एक रबड़ का इस प्रकार से बना हुआ रबड़ का एक पार्ट्स होता है, वो भी इस पाइप के अंदर चढ़ा हुआ होता है, उसको हम नोजल कहते हैं, नोजल। और उसके बीच में ये जो मैंने बताया बनाया है रेड कलर का, यह शीशे की एक परख नली होती है जो बंद होती है, उसके अंदर भी लास्ट में एक ठोस पदार्थ भर दिया जाता है और इसके अंदर हवा भरी रहती है। इसके ऊपर कुछ एक नंबर मार्किंग होते हैं, जैसे 1.300, 1.250, 1.200, इसी प्रकार से इस पे नंबर लिखे रहते हैं। अब इसकी बनावट के बारे में तो आप जान गए, अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है, मतलब ये क्या कार्य करता है, इससे हम क्या चीज़ नापते हैं, क्या चीज़ पता करते हैं, क्या चीज़ चेक करते हैं। तो जो इसका प्रयोग होता है वह किसी भी लिक्विड के घनत्व को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम जैसे पानी को चेक करना है कि पानी का घनत्व कितना है, तो हम क्या करेंगे कि पानी में इसको डालेंगे और ये ऊपर के हिस्से को दबाएंगे, तो इसके अंदर की जो हवा है वो बाहर निकल जाएगी, और जैसे ही पानी में डाल देंगे और छोड़ेंगे तो ये हवा की जगह पे पानी को अपने अंदर खींच लेता है और ये तैरने लगेगा। जब भी पानी इसमें जाएगा तो इसके अंदर हवा भरी हुई है तो ये तैरने लगेगा, और जब ये तैरने लगेगा तो इसके ऊपर कुछ मार्किंग होती है, कुछ नंबर लिखे होते हैं, उसके हिसाब से हम जान जाएंगे कि पानी का घनत्व कितना है। और जब भी हम पानी में कोई और एक्स्ट्रा चीज़ मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उसका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। ये अब हम जानते हैं, अब ये समझ गए आप कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग किसी भी लिक्विड के घनत्व को चेक करने के लिए किया जाता है। आइए बात करते हैं कि इलेक्ट्रिशियन जो भी हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं कि बैटरी की ग्रेविटी चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बैटरी की ग्रेविटी किस प्रकार से चेक करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी में दो दो वोल्ट के 6 सेल होंगे। अब प्रत्येक सेल आपस में सीरीज में जुड़े हुए होंगे, जब भी 12 वोल्ट बनेगा तो प्रत्येक सेल आपस में सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, प्रत्येक सेल में हम बैटरी वाटर फिल करते हैं। तो मान लीजिए अगर एक सेल बीच में से डेड हो जाए या फिर ख़राब हो जाए या फिर वीक हो जाए, तो जो हमारी बैटरी है उसका बैकअप सही नहीं आएगा, यानी जो हमारी बैटरी है वो बैकअप सही नहीं देगी। अब उसी लिए हम प्रत्येक सेल की ग्रेविटी चेक करते हैं। अब जो हमारी जो बैटरी है वो जब फुल चार्ज होगी
तो उसकी ग्रेविटी कितनी आनी चाहिए। देखिए जो हमारी बैटरी है वो जब फुल चार्ज होगी तो उसकी ग्रेविटी जो है 1.280 होनी चाहिए। अगर हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो उसकी ग्रेविटी है 1.100 आनी चाहिए। अगर वो हाफ चार्ज है तो हमारी बैटरी की जो ग्रेविटी है वह 1.200 होनी चाहिए। यानी 75% अगर चार्ज है तो हमारी बैटरी की ग्रेविटी 1.250 होनी चाहिए। अगर हमारी बैटरी की ग्रेविटी 1300 से ऊपर है, जब भी हमारी बैटरी ख़राब है। अगर हमारी बैटरी की ग्रेविटी 1100 से नीचे है, जब भी हमारी बैटरी ख़राब है या फिर डिस्चार्ज है। तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार से चेक करें। यह हमारे पास जो हमारा हाइड्रोमीटर है, इसको हम क्या करेंगे, उस सेल में इसके ऊपर के पोर्शन को दबाएंगे और उस सेल में डाल देंगे। तो जब भी हम इसके ऊपर के पोर्शन को दबाएंगे तो इसके अंदर की जो हवा है वो बाहर निकल जाएगी और इसको हम सेल में डुबोएंगे और छोड़ देंगे, तो ये हवा की जगह पे पानी को, यानी जो अंदर लिक्विड है उसको अपने अंदर सोख लेगा। यानी इस परख नली के अंदर जो है ना पानी भर जाएगा, और पानी जब भर जाएगा तो ये जो अंदर का फ्लूट है ये तैरने लगेगा उस पानी के ऊपर। और इसके ऊपर कुछ नंबरिंग होते हैं, उस नंबर से हम जान जाएंगे कि जो हमारी बैटरी है वो चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो ये तैरने लगेगा, तो इसमें जो नंबर है, अगर नंबर 1.280 आ रहा है तो हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई है, अगर 1.100 आ रहा है तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जान गए होंगे। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।